हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। बजाज के पल्सर ब्रांड का एक नया दौर शुरू हो चुका है। वी फर्स्ट सॉ द पल्सर N250 एंड F250 और आज मेरे साथ है एक नई पल्सर। दिस इज द N160। जहां पे पुरानी पल्सर 150 एज अ कम्यूटर, एज अ प्रीमियम कम्यूटर पोजीशन होती है, दिस पल्सर N160 इज गोइंग टू सिट एट द एंट्री लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस सेगमेंट फॉर द मास मार्केट। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं क्या है ऐसा खास इस नए बजाज पल्सर N160 में, कैसा है इस बाइक का परफॉर्मेंस उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड कंपेयर्ड टू कंपटीशन इज दिस गुड इनफ और नॉट, लेट अस फाइंड आउट। ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट के साथ आपको एक सिंगल पेंट ऑप्शन मिलता है, एंड विद द सिंगल चैनल ABS वेरिएंट यू गेट 3 कलर ऑप्शंस। पल्सर N160 की आइडियल कंपटीशन है TVS की अपाचे RTR 164V। दोनों ही बाइक्स की प्राइस रेंज जो है इट इज़ बिटवीन 1.22 लाख टू 1.27 लाख एक्स शोरूम, लेकिन पल्सर N160 के साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS ये सेफ्टी फीचर मिल जाता है। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस। इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट रेंज करता है बिटवीन 152 टू 154 केजी और सीट हाइट है 795 मिलीमीटर्स। फुट पैक्स जो हैं वो माइल्डली रियर सेट हैं, तो आपको एक स्पोर्टी सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। सीट भी काफ़ी अकोमोडेटिंग है, एंड यू कैन नोटिस दैट आई हैव बोथ माई फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और हैंडल बार की पोजिशनिंग जो है वो भी काफ़ी ईजी है, जिसकी वजह से आपको एक कम्फर्टेबल राइडिंग पोजिशन इस मोटरसाइकिल के साथ मिलने वाली है। अभी दिखने में ये बजाज की पल्सर N160 पल्सर N250 जैसी ही है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बदलाव इस बाइक पे किए गए हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिज़ाइन चेंजेस एंड द फीचर्स दैट यू गेट विथ दिस नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल। लुक्स की अगर बात करें तो हमें पल्सर की N250 भी काफ़ी पसंद आई थी, एंड दिस पल्सर N160 इज ऑल्सो क्वाइट अ लुकर। आपको जो डार्क थीम्ड पेंट स्कीम इस बाइक के ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट के साथ मिल रही है, इट गिव्स दिस बाइक अ वेरी नाइस एंड स्टेल्दी लुक, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीमियम लुकिंग मोटरसाइकिल फॉर श्योर। और काफ़ी लोगों को इस बाइक की डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगी। इट इज़ नॉट एट ऑल ऑफेंसिव इन एनी वे। ये बाइक जो है एक टिपिकल स्पोर्टी नेकेड स्ट्रीट बाइक डिज़ाइन लैंग्वेज आपके लिए लेके आती है, एंड द बॉडी डिकैल्स एंड ग्राफिक्स डू ब्रेक द मोनोटनी। द पल्सर N160 शेयर्स मोस्ट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स विद द N250। हेडलैम्प क्लस्टर के लिए आपको एक बॉडी कलर्ड बिकिनी फेयरिंग मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको डिकैल्स भी नजर आएंगे। यू गेट LED DRLs एंड यू गेट अ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प यूनिट है ये, और इसकी इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छी है, एंड इट डज लुक लाइक अ मॉडर्न फ्रंट एंड डिज़ाइन फॉर श्योर। सो nobody is going to think that this bike looks a bit too boring or looks a little too old for today's date. By the way, headlamp unit के ऊपर आपका speedometer cluster exposed है, and there is no fly screen or windscreen which is available with this Pulsar N160. इस बाइक का स्पीडोमीटर क्लस्टर दिखने में काफ़ी अच्छा है, एंड द डिटेल्स आर क्वाइट क्रिस्प। यू गेट अ ब्लू बैकलिट डिजिटल डिस्प्ले, और आपको इस बाइक के साथ एक एनालॉग टैकोमीटर मिलता है। यू गेट 2 trip meters, यू गेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यू गेट डिस्टेंस टू MT डिस्प्लेड ओवर हियर। आपको एक डिजिटल फ्यूल गेज दिया गया है, यू गेट अ गियर पोजिशन इंडिकेटर, यू कैन नोटिस अ क्लॉक,
लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक मिसिंग फीचर है, सो यू डू नॉट गेट टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड नीदर डू यू गेट कॉल और SMS नोटिफिकेशंस। साइड प्रोफाइल पे इस मोटरसाइकिल के टैंक श्राउड्स जो हैं वो काफ़ी स्पोर्टी नज़र आते हैं। यू गेट अ स्प्लिट सीट सेटअप और आपको पिलियन ग्रैब रेल्स भी इस बाइक के साथ मिलने वाले हैं। लोअर डाउन यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल बिट्स गेट अ डार्क थीम। आपको एक अंडरबेली एग्जॉस्ट इस बाइक के साथ मिलने वाला है एंड यू गेट मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स। एग्जॉस्ट पे आपको एक सिल्वर एक्सेंट जरूर मिलता है, बट द एंड कैन ऑफ द N250 लुक्स मच बेटर इन माई ओपिनियन। However, although not good looking, the saving grace is that this exhaust does sound quite good. पीछे के व्हील पे आपको एक टायर हगर स्प्लैश गार्ड दिया गया है। You get engine crash bars with this bike, and you will notice that this motorcycle runs on MRF tubeless tires. Alloy wheels पे आप contrast rim stripe भी देख सकते हो। Although sporty and premium, this motorcycle is built to a cost. तो आपको एक box type रियर स्विंग आर्म मिल जाता है। यू गेट अ टो ओनली गियर शिफ्टर। इंजन के नीचे आपको एक अंडरबेली काउल नजर आएगा एंड ओवरऑल द मैकेनिकल बिट्स लोअर डाउन एज यू कैन नोटिस दे आर गेटिंग अ डार्क थीम एंड आई रियली लाइक द वे दिस लुक्स। बेस्ट इन क्लास 37mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स का ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल करती है। 300mm फ्रंट डिस्क, 230mm रियर डिस्क। ये दोनों ही ब्रेक स्पेक्स जो हैं वो अपाचे RTR 164V के मुकाबले सुपीरियर हैं एंड ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग ड्यूअल चैनल ABS विद दिस बाइक। फ्यूल टैंक पे आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और इसके लिए आपको एक कवर भी मिल जाता है, तो बारिश के मौसम में आपका ये चार्जिंग पॉइंट खराब नहीं होगा। LED टेल लैंप्स आपको इस बाइक के साथ मिलने वाले हैं एंड द डिजाइन डिटेलिंग ओवर हियर एज वेल इट इज क्वाइट नाइस एंड द पल्सर N160 does look like a proper modern premium motorcycle. पीछे आपको एक 130/70/17 section tubeless tire मिल रहा है and at the front you get a 180/17 tubeless tire. One fine detail, आपको इस motorcycle के pillion seat पे Pulsar की branding नजर आएगी। सारी गार्ड दिखने में ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू गेट इट ऑफ एज सून एज यू बाय दिस मोटरसाइकिल। नाइट्रॉक्स रियर मोनोशॉक जो है इसे आप काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर पाओगे फॉर प्री लोड। ओवरऑल प्लास्टिक्स की फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड दिस मोटरसाइकिल डजंट लीव टू मच फॉर यू टू कंप्लेन अबाउट। ध्यान से देखने पर टैंक श्राउड्स के बीच में आपको इस बाइक का ऑयल कूलर भी नज़र आएगा। However, I do wish इस बाइक के साथ आपको adjustable levers मिल जाते and the turn indicators were also of the LED type. बजाज की ये जो नई पल्सर N160 है, इसके साथ आपको एक all new engine मिलती है. This is not a downsized version of the Pulsar N250. This is completely new. चलिए इस मोटरसाइकिल के मोटर के बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसा है इस बाइक का परफॉर्मेंस। पल्सर N160 के साथ आपको 164.82cc सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व ऑयल कूल्ड इंजन मिलती है विच प्रोड्यूसेस 16 PS ऑफ पावर एट 8750 RPM एंड 14.65 Nm ऑफ टॉर्क एट 6750 RPM। इस इंजन के साथ आपको एक 5-speed का गियरबॉक्स दिया गया है। There is no slip and assist clutch, but let me tell you, the clutch operation is super light, super duper light, and the gear shifts are super precise. Butter smooth gear shift quality है। इस bike की जो engine है, इस motorcycle के chassis का एक stressed हिस्सा है, and that has helped in the NVH department. और जैसे ही आप इस bike को चलाना शुरू कर देते हो, you will really appreciate how improved this Pulsar N160 feels in the refinement department. अभी तक के किसी भी Pulsar के मुकाबले मेरे हिसाब से ये तो सबसे ज़्यादा refined motor है। बिल्कुल भी vibration, pulsation आपको कहीं पे feel नहीं होता है and you can just rev the motor completely till the red line and there will just be a very mild buzz जो आप अगर ज़्यादा ध्यान से notice करने की कोशिश करते हो तभी ही आपको महसूस होगा। ओवरऑल इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इंजन डेवलपमेंट के समय टॉर्क वॉज द की फोकस एंड द कंपनी क्लेम्स दैट 85% ऑफ द पीक टॉर्क इज अवेलेबल अक्रॉस अ वाइड रेव रेंज।
बजाज कंपनी का ये भी कहना है दैट इट हैज़ द बेस्ट इन क्लास ट्रैक्टिव एफर्ट, जिसका मतलब है आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। द ब्रांड ऑल्सो क्लेम्स दैट द पल्सर N160 इज़ द फास्टेस्ट इन इट्स सेगमेंट इन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ गियर इन टर्म्स ऑफ पासिंग एक्सेलरेशन बिटवीन 30-70 किलोमीटर्स पर आवर। एक्सेलरेशन टाइमिंग की अगर बात करें तो 0-60 इज गोइंग टू बी सीन इन 4.9 सेकेंड्स, 30-70 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड गियर विल कम अप इन 6.3 सेकेंड्स एंड 30-70 इन फोर्थ गियर विल बी अचीव्ड इन 8.5 सेकेंड्स। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो विद अ लाइट राइडर ये मोटरसाइकिल जो है ऑन अ रियली लॉन्ग स्ट्रेट इट विल बी एबल टू टच 120 किलोमीटर पर आवर। बाइक चलाते समय फुल फेस्ड हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपको इस बाइक के एग्जॉस्ट का आवाज अच्छे से सुनाई देगा एंड द गुड थिंग इज दैट द इंजन इंडक्शन नॉइज इज नॉट टू लाउड अनलाइक द ओल्ड पल्सर्स, सो यू विल अप्रिशिएट द ओवरऑल NVH पैकेज। वेरी क्विकली फॉर योर रेफरेंस, पल्सर N160 आपको ऑफर करती है 16 PS की पावर और 14.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। द अपाचे RTR 164V offers you 17.5 PS of power and 14.7 Newton meters of torque. Power to weight ratio is 105 PS per ton with the single channel ABS variant and 104 PS per ton with the dual channel ABS variant. बारिश के मौसम में पुणे में इस बाइक को रिव्यू करते समय हमें 37 kmpl का माइलेज मिला। You can do the math with the 14 liter fuel tank capacity that is going to be your tank range. और जब आप इस बाइक को हाईवे पे चलाने वाले हो आई थिंक 40-45 kmpl इज गोइंग टू बी एन इजी नंबर। सो नाउ यू नो द फीचर्स, आप जान चुके हो क्या मिलता है आपको इतने पैसे खर्चे करने के बाद इस मोटरसाइकिल के साथ। आपको इस बाइक के नंबर्स समझ गए हैं, यू नो व्हाट द परफॉर्मेंस नंबर्स आर लाइक एंड व्हाट दिस मोटर हैज टू ऑफर। लेकिन क्या ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक्साइटिंग है? इज दिस अ टिपिकल पल्सर इन द राइड एंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट? Let us find out. सबसे पहले तो बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के कर्ब वेट के बारे में, जो रेंज करता है बिटवीन 152-154 kg। नाउ दिस इज हायर इन कंपैरिजन टू द अपाचे RTR 164V, लेकिन जब आप इस बाइक को चला लोगे तभी आपको इस वेट का ज्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगा। द वेट हैज बीन ड्रॉप्ड कंपेयर टू द पल्सर N250 प्राइमरीली फ्रॉम द इंजन डिपार्टमेंट बिकॉज बोथ बाइक्स आर बेसिकली शेयरिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पोनेंट्स, especially the dual channel ABS variant of the N160. Ride and handling package जो है वो काफ़ी balanced, काफ़ी neutral और काफ़ी predictable है। आपको इस bike को चलाते समय कोई भी ergonomic problem feel नहीं होगा। मेरी height है 5'8" and you can notice I am seated very comfortably, काफ़ी accommodating इस bike की seat भी है। Overall इस bike का weight manage करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी and if you tuck in for that high speed run, it is still a reasonably sized motorcycle for sure. Suspension tune जो है, it offers you good comfort. Highway पे जब आप इस bike को चला लोगे, तभी भी it rides nice and flat. और खराब रास्तों पे से इस bike को चलाते समय आपको ज़्यादा झटके feel नहीं होंगे. So overall, this is definitely a comfortable motorcycle. घाट सिचुएशन में जब आप इस बाइक को फ्लिक करते हो, गोइंग थ्रू ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, द शैसी बैलेंस इज क्वाइट गुड, तो ये बाइक जो है इट विल फॉलो द लाइन दैट यू वांटेड टू एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन राइडिंग दिस पल्सर N160। रिव्यू करते समय काफ़ी तेज बारिश हो रही थी बट इन टर्म्स ऑफ द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड द ग्रिप लेवल्स फ्रॉम द टायर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। Never did the brakes, you know, make us feel that they were not competent enough. And even the tires, even on the wet surface that we are riding it on, it did not slip and slide even once. Ideal cruising speed की अगर बात करें तो 90-100 kilometers per hour is going to be very comfortable on this Pulsar N160. इस situation में आपको ज़्यादा vibration की तकलीफ भी नहीं होगी. Of course, you can ride it much faster, but there is not too much of top end rush available from this motor. So that is it. That is all that you need to know about this all new Bajaj Pulsar N160. क्या आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आई? क्या आपको लगता है आप इस बाइक का इस्तेमाल करोगे फॉर योर डेली कम्यूट्स एंड ऑल्सो फॉर योर वीकेंड राइड्स? क्या आपको लगता है इस बाइक के साथ जो आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है,
is it going to keep you satisfied? The numbers, by the way, in terms of the performance and the acceleration which you get inside the city and also the mileage, all of that is quite respectable for a bike which you can use on a daily basis, and I think this one does make sense. Lekin kya ye aapke liye ek sensible choice hai? Ye aap hame comments mein zarur bataiye. So then subscribe to the Shifting Gears channel if you haven't till now. Bell icon zarur press kijiye. Agar aapke is bike ke bare mein aur koi sawal hain, you can ask me in the comments below and I will try my best to help you out. Till next time, always ride safe and always, guys, wear your helmets.